दिल तोड़ने वाली बेवफा एसडीएम पत्नी। बेवफाई ऐसी छाई कि पति के साथ रहकर कमांडेंट से लड़ाने लगी आशिकी। पति बन गया बाहर वाला और कमांडेंट ऑफिसर हुआ घर वाला। बेवफाई सामने आई तो बेशर्मी से मैडम बोली, शादी के 13 साल बाद पति मांग रहा है दहेज। पति के अरमानों का गला घोटकर पत्नी चली किसी और के संग ब्याह रचाने। सफाई कर्मचारी पति ने लोन लेकर बनाया अफसर और पत्नी को हो गया दूसरे मर्द से ऐश। क्या कोई पति बना पाएगा अपनी पत्नी को एसडीएम? बेवफा एसडीएम मैडम ने डुबा दिया शादी के बाद लड़कियों के पढ़ने का सपना। आखिर कब और कैसे शुरू हुई कमांडेंट से इश्कबाजी और पति से धोखेबाजी की कहानी? दोस्तों, सफलता किसी के भी सर चढ़ सकती है, लेकिन सर चढ़ी सफलता को अगर लाठी डंडे मार कर उतारना पड़े तो ऐसी सफलता किस काम की भाई। आज ऐसी सफलता में डूबी बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्य की करतूतों और कांड पर नजर डालेंगे। दोस्तों, पहले आपको मैडम का परिचय कराते हैं। वैसे तो मैडम किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि मैडम की करतूतें कुछ ऐसी है, लेकिन फिर भी एक बार अपने मुंह से भी एसडीएम मैडम की तारीफ कर ही देते हैं। ये है बेवफा एसडीएम मैडम। रहने वाली तो वाराणसी की है, लेकिन कांड ऐसा की है कि गंगा नदी का जल भी मैडम का पाप धोने के लिए कम पड़ जाएगा। मैडम के पति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जिन्होंने किसी तरह उधार कर्जा करके अपनी पत्नी का पढ़ने का और एसडीएम बनने का सपना पूरा किया। लेकिन मैडम जब एसडीएम बन गई तो उन्हें अपने पति को पति कहने में ही शर्माने लगी। मैडम के सर पर सफलता और पावर का ऐसा भूत चढ़ा कि मैडम अपने पति को ही भूल गई और घर ले आई एक नाजायज पति। अब आलोक साहब, जो कि एसडीएम मैडम के असली पति हैं, उनकी आंखों से आंसू और दिल से आग की ज्वाला निकल रही है। आलोक मियां का हाल अब कुछ ऐसा है कि अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बस बस बहुत हो गया, अब हंसी मजाक वाली बात। अब एकदम सीरियसली कह रहे हैं आप लोगों से भाई, अगर आप लोगों में से किसी के पास पावर का भूत उतारने वाला कोई झाड़ फूक या कोई तंत्र मंत्र हो तो आलोक जी को बता दीजिएगा, काहे कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। भैया, मैडम ने ऐसा काटा है कि अब शायद ही कोई पति अपनी पत्नी को एसडीएम बनाए। भैया लोग सुन लो, कुछ भी बना देना, लेकिन एसडीएम ना बनाना, वरना जब एसडीएम और कमांडेंट मिलकर ताता थैया करेंगे तो आपका भी कट जाएगा। फिर आंखों से सिर्फ गंगा जमुना ही बहेगी और पुलिस स्टेशन में कहां लात मारा जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो समझ लो। देखिए भाई और बहनों, बेवफा एसडीएम मैडम और उनके बेचारे पति आलोक की कहानी 2010 से शुरू हुई, जब मैडम बिया रचा के अपने पंचायत राज विभाग के चतुर्थ श्रेणी पति आलोक के घर आई। आलोक रहने वाले प्रयागराज के थे, लेकिन उनकी तैनाती प्रतापगढ़ जिले में थी। अब नई नई शादी में प्यार मोहब्बत के बीच पत्नी ने पति से पढ़ने की डिमांड कर दी। बेचारे पति ने सोचा कि मेरी पत्नी तो इतनी अच्छी है कि सोने चांदी की जगह पढ़ाई मांग रही है। पति का दिल पिघला और पति अपनी पत्नी को लेकर प्रयागराज आ गया और सिविल की तैयारी के लिए कोचिंग में एडमिशन करा दिया। अब पत्नी ने पति के पैसे पर खूब पढ़ाई की और 2015 में UPSC के एग्जाम में महिलाओं में तीसरा स्थान हासिल किया। चारों तरफ खूब वाहवाही हुई कि सफाई कर्मी पति ने अपनी पत्नी को एसडीएम बना दिया। और सबसे खुशी की बात तो ये हुई कि रिजल्ट के साथ साथ एक और खुशी घर आई, पत्नी ने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। खुशी तो दो दुगनी और चार चौगनी हो गई। अब 15 से 2020 तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन 2020 में पत्नी के सर पर पावर का नशा ऐसा चढ़ा कि मैडम अपने ही पति को भूल किसी और को बना बैठी नाजायज पति। मैडम की मुलाकात गाजियाबाद में तैनात डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे से हुई और बस यहीं से चल पड़ी मैडम की बेवफाई की गाड़ी छुक छुक छुक, और एसडीएम मैडम के पति का हो गया रो रो कर बुरा हाल। देख लीजिए आप एक बार खुद ही एसडीएम मैडम की आशिकी की कैसी कैसी बातें बता रहे हैं उनके पति आलोक। इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध। सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर एसडीएम थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रही,
तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो, तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्या मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने DPRO साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर SDM पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए, वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी दो जुड़वा बिटिया भी हुई, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में और सर घर इतनी तबाही पे पहुँच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर, यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। आलोक ने मैडम SDM और कमांडेंट साहब को उनके सरकारी आवास में इश्कबाजी और क्या क्या करते हुए पकड़ा ये तो वही जाने, लेकिन यहीं से मैडम बन गई बेशर्म और अपने पति आलोक को अपने आशिक के साथ मिलकर मारने की तैयारी में लग गई। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं भाई, SDM साहिबा के पीड़ित पति ने ये सारी बातें मीडिया के सामने पब्लिकली बोली है और दोस्तों मैडम SDM साहिबा ठहरी, इसलिए पति आलोक की शिकायत कोई भी दर्ज करने को तैयार नहीं था। पति पत्नी SDM की बेवफाई के सारे सबूत के साथ चिल्ला चिल्ला कर बेवफाई की कहानी बता रहा था, लेकिन पुलिस को भी SDM साहिबा से डर लगा था इसलिए कोई शिकायत लिख नहीं रहा था, जिसके बाद पीड़ित पति CM योगी के जनता दरबार पहुंच गया इंसाफ मांगने। दोस्तों पूरा माजरा बस इतना है कि SDM साहिबा अपने सफाई कर्मी पति से अब तलाक चाहती हैं, क्योंकि अब मैडम को सफाई कर्मी को अपना पति कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन पति अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए उन्हें तलाक नहीं देना चाहता। अब अगर पिता अपनी बच्चियों के लिए अच्छा सोच रहा है तो इसमें क्या बुराई है, लेकिन SDM पत्नी और मां कमांडेंट के प्यार में इस कदर पागल हैं कि उन्हें ना ही पति दिख रहा है और ना ही अपने बच्चे। अब एक और बात बताती हूँ आपको, जब पति खुलकर सामने आ गया और अपनी बेवफा SDM पत्नी से बेवफाई का बदला लेने के लिए तैयार हो गया तो मैडम ने पति पर ही केस कर दिया कि उनके पति उनसे दहेज मांग रहे हैं। अब बताइए दोस्तों कि शादी के 13-14 साल बाद वो पति दहेज मांग रहा है जिसने पढ़ा लिखा कर SDM बना दिया, डाइजेस्ट करने वाली बात है ये। और एक और मजेदार बात सुनिए, मैडम का कहना है कि शादी से पहले उनके पति आलोक ने बताया था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, लेकिन शादी के बाद मैडम को पता चला कि वो एक सफाई कर्मचारी हैं और इसी वजह से वो अब आलोक से तलाक लेना चाहती हैं। और अब इनकी शादी का कार्ड भी खूब वायरल हो रहा है जिसमें आलोक ने अपना परिचय ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में करवाया है, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया आ जाता है कि अगर शादी के बाद ज्योति को ये पता चल गया था कि उनके पति ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं है बल्कि सफाई कर्मी है, तो तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई। अब बताइए दोस्तों, मैडम को अपने पति के सफाई कर्मचारी होने का एहसास तब नहीं हुआ जब उनके पति उनकी कोचिंग की फीस भरा करते थे, उन्हें एग्जाम दिलाने ले जाया करते थे। मैडम ने सफाई कर्मचारी पति के साथ ही फैमिली भी बढ़ा ली और साइड में एक आशिक भी बना लिया और अब मैडम तलाक की फरमाइश कर रही है। अब आप भी बताइए दोस्तों, ऐसी SDM साहिबा को आप क्या नाम देंगे और कौन कौन से खिताबों से नवाजना चाहेंगे, कमेंट में बताइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स खुला है और मुझे आपके कमेंट का इंतजार भी है। वैसे पति आलोक ने मैडम की व्हाट्सएप चैट भी सार्वजनिक की है और CM दरबार में गुहार लगाई है, तो अब CM दरबार से निर्देश भी मिल गया है और SDM मैडम के आशिक मनीष दुबे के विरुद्ध विभागीय जांच बैठा दी गई। होमगार्ड मुख्यालय ने प्रयागराज में तैनात DIG संतोष कुमार को मामले की जांच के आदेश दिए थे, हालांकि जांच इसी सप्ताह पूरी होने वाली थी लेकिन अब बताया जा रहा है कि जांच अगले सप्ताह तक पूरी हो जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद होमगार्ड मुख्यालय की तरफ से SDM मैडम के आशिक मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अब भले ही जांच के बाद जो भी हो, लेकिन दुबे साहब और एसडीएम ज्योति मैडम दोनों ही बराबर के गुनाहगार हैं, तो सजा भी दोनों को ही मिलनी चाहिए। इस घटना पे टाइम्स ऑफ अयोध्या के पत्रकार रवि भट्ट ने वीना मानवी से कुछ सवाल पूछे, तो वीना मानवी और रवि भट्ट में जोरदार बहस हो गई। आपको इन दोनों की बहस का कुछ अंश सुनाती हूँ दोस्तों, सुनिए। पति ने उसको पढ़ाकर इस लायक बना दिया, पति को धोखा देने लग गई। यही लायक बनाया, थोड़ा सा महिला का कुछ दिखा नहीं, थोड़ी सी गलती ना दिखी उस महिला। आप किसके साथ हैं? सुनिए, आप किसका नहीं, नहीं, नहीं मुद्दे की बात कीजिए, हम किसी के साथ नहीं है, ना उसके पति के साथ है ना पत्नी। उसके पति के साथ मतलब आलोक मौर्य के साथ कुछ गलत नहीं हुआ आपके हिसाब से? बिल उसके साथ एक ही चीज गलत हुई कि उसके साथ जीवन में एक धोखा हुआ। तो फिर धोखा सबसे बड़ा धोखा ही हुआ ना? हर धोखे के पीछे एक वजह होती है, वो भी जानने की कोशिश आप लोगों को करनी चाहिए। क्या वजह रही होगी वो बताइए ना। अब हम लोग चाह रहे हैं कि ज्योति से हमारी मुलाकात हो, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारा कुछ ऐसा शेड्यूल बने, उनके अंदर का क्या दर्द था वो भी तो जानिएगा ना आप। उस पति ने जब उसकी पत्नी किसी लायक नहीं थी, किसी काबिल नहीं थी, तब उससे शादी किया, पढ़ाया लिखाया और इस लायक बना दिया कि वो एसडीएम बन जाए और देश की सेवा करे, लेकिन वो देश के लोगों से गद्दारी, घूस, दलाली, इसके बाद तमाम चीजें। वो आप जो कह रहे हैं ना कि वो देश की सेवा, पहले जो उसका पति पढ़ा था, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है वो लालच होगा? अब जाते जाते आपको जरा वकील अश्विन सिंह की कुछ बातें भी सुना ही देते हैं। इतने वर्षों के बाद पता चल पाया, 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन में पता चल पाया कि वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, तब पता चल पाया, जब पता नहीं चला आपको, जब आपने पढ़ाई की तब आपको नहीं पता चला, जब आपने पीसीएस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा तब नहीं पता चला, जब वो प्रयागराज में आपको लेके इम्तहान दिलाते थे, पढ़ाते थे, कोचिंग कराते थे और एग्जाम दिलाते थे, इंटरव्यू दिलाते थे, तब आपको नहीं पता चला, जब आप एसडीएम हो जाएं, जब आप पद पे पहुंच जाएं, जब आप पावरफुल हो जाएं, जब आप शक्तिशाली हो जाएं, तब आपको पता चले कि मेरा पति, मेरा परमेश्वर, जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, जिसके साथ हमने रातें बिताई हैं, जिसके साथ हमने 2 बच्चियों को जन्म दिया है, जिसके साथ हमने 2 बेटियों को जन्म देके बड़ा किया है, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। वाह साहब वाह, किस्मत ठोक रहा है अपनी, रो रहा है, दुनिया के सामने रो रहा है, माननीय योगी जी के सामने रो रहा है, डीएम साहब के सामने रो रहा है, अपने अधिकारी के सामने रो रहा है, डीपीआरओ के सामने रो रहा है, अपने आईओ के सामने रो रहा है, जहां उसकी नौकरी हटाने की नौबत आ रही वहां रो रहा है, अपने माँ बाप के सामने रो रहा है, न्यूज चैनल के सामने रो रहा है। और तब रोता है जब कोई नहीं होता, जब कोई नहीं होता, जब रात का अंधेरा होता है, अकेला होता है, तब जो आंसू निकलते हैं ऐसे पतियों के, ऐसे पुरुषों के, ऐसे मर्दों के, तो वो आंसू कोई नहीं देखता, वो अंदर निकलते हैं, वो अंदर अंदर आंसू जाते हैं, वो सबसे घातक हैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस सामाजिक व्यवस्था के लिए। एक ऐसा वैवाहिक जो पवित्र कार्य है, बहुत धार्मिक कार्य है, बहुत रीत रिवाज वाला कार्य था, बहुत सामाजिक कार्य था, इस सामाजिक कार्य की ऐसे लोगों ने, ऐसे कार्यों के द्वारा धज्जियां उड़ा दी गई। आज उसे धमकियां दी जा रही हैं, आज उसकी हत्या की धमकी दी जा रही है, आज उसको नौकरी से हटाने की धमकी दी जा रही है, आज उससे कहा जा रहा है अगर केस बंद नहीं किया, अपनी जांच बंद नहीं कराई तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे माता पिता कैसे हो जाएगी, सोचिए उन माता पिता का क्या रोल। वैसे ठीक ही कह रहे हैं एसपी सिंह जी, अब तो एक सीढ़ी बन ही गई है, अब तो सीढ़ी पर सीढ़ी, सीढ़ी पर सीढ़ी, सीढ़ी पर सीढ़ी बनती ही चली जाएगी। दोस्तों सच बता रही हूँ, मैडम ने जो किया है ना, उसके बाद मैडम ने उन सारी लड़कियों के सपनों का गला घोट दिया है जो शादी के बाद आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देख रही थी। एसडीएम ज्योति साहिबा के कारनामे के बाद अब सभी पतियों को ऐसा ही लगेगा कि कहीं उनसे ऊपर पहुंचने के बाद उनकी पत्नी किसी और के साथ फुर्र ना हो जाए, इसी डर से बेचारे डरे डरे और सहमे सहमे फिरेंगे। भैया मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि लड़कियाँ लड़कों से आगे बढ़ें, लेकिन किसी और के पैसे पर तरक्की करके किसी और को फल देना ये सही बात नहीं है। अब आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर कोई ज्ञान हो तो वो भी लिख कर जाइएगा। चलिए चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद और देखते रहिए इंडी न्यूज़।